भी महिला मेरी जगह होती ना वो यही करती। हम लोग कह तो देते हैं कि कानून अपना काम करेगा और कानून के तरीके से ही होना चाहिए, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय की सिचुएशन यही थी, जो शब्द उन्होंने बोले तो मुझे अपनी चप्पल निकाल के उनको मारना ही पड़ा। जब मैं शिकायत देने पहुंची तो वो बिल्कुल मेरे पैरों में गिर गए, बोले बहन जी मुझे माफ़ कर दो, आप मेरी बहन समान हो और मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हुई भी है वहाँ पे। ये माफ़ीनामा है उनका, उन्होंने कहा कि मैंने अभद्र भाषा उपयोग की आपके बारे में, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसमें उनके साथ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद थे और एक सुपरवाइजर भी मौजूद थे साथ में, उनके साइन भी है इसमें। बोले आपने चुनाव में मेरी खिलाफत क्यों की आदमपुर में? मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं प्रेस मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं आदमपुर के विधानसभा चुनाव में कैसे जाऊँगा? मेरे को ये भी, मैंने कहा मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड किया, चुनाव के बाद इतने दिनों बाद आप ये ब्लेम लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा थप्पड़ मारा मेरे को कि गाड़ी दे रहे हो आप मेरे को। मैंने कहा गाड़ी नहीं थी मैम, मैं थप्पड़ लगते ही चारों तरफ से 7-8 लड़कों ने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया बेशुमार। मैं बिल्कुल निडर होकर खड़ा था, मैं गिर गया अनफान में। फिर मैं वहाँ से भागा, एकदम उसी दुकान में भागा। उस दुकानदार को कहा यार बचाओ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दुकानदार ने भी कहा इसको भी ना ही कहा मैडम ये गलत कर रहे हो आप कि क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। तो सर वहाँ मैडम जी खड़े हो गए, गुंडे वो चारों तरफ दूर खड़े हो गए और मैडम के साथ दो आदमी थे, उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दिया, चप्पल से मेरे को मारना शुरू कर दिया अकेले। बोली मेरे को गाड़ी क्यों दी? मैं क्या मैडम जी मैं उस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि मैंने कोई गाड़ी नहीं दी मैम जी, मैंने आपके सारे काम थे जो नोट कर लिए हैं सारे के सारे। और फिर ये वो इधर थाने की तरफ आ गए, पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस वहाँ पहुँच गई, पुलिस ने मेरे को छुटवा लिया, मेरे को जिप्सी में बिठाया, मैं थाने की तरफ आ गया। थाने के बाहर मैडम मेरे को बाहर ले गई, मैडम ने यदि मैंने कोई गलत काम किया था तो थाने में FIR दर्ज करवाती। मैडम मेरे को बाहर ले जाके उन्हीं गुंडों के द्वारा एकदम बोलिए आप लिख के दो कि माफीनामा लिखो, तो उन गुंडे वाले तो गोली मारेंगे। मेरा पसीना आया जी एकदम, मैंने वहाँ एकदम लिख के दे दिया कि मैं उन्होंने लिखवाया कि दो बार अपने आप कटवाया, तो लिखवाया बाल संबंध मंडी में मेरे मैंने जो आज बदतमीजी की उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने लिख कर दे दिया, मैंने कहा ठीक है जी अब तो छोड़ दो मेरे को, मैं सोचा अंदर थाने में जाकर घुस जाऊँ किसी तरह। मैं थाने से बाहर बुला लिया मेरे को, फिर मैडम बोली मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगी, ये बात किसी को बतानी नहीं। फिर बोली अभी तूने हाई कोर्ट में स्टे ले रखा ना, अपना ट्रांसफर का स्टे वापस ले ले यार, तू दो दफा हो जाए यहाँ से। मैं कहा ठीक है जी, मैं घबरा गया। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा 5 मिनट बाद फिर वो वापस बुलाया मेरे को दोबारा वहीं, और ये कहा कि आपके स्टाफ वाले जो आदमी थे उनके और साइन कराओ इस पे जो आपने लिख दिया है। मेरे साइन करवाए, फिर मैडम के सामने मैं खड़ा होगा। उन्होंने एक आदमी जो उनके साथ गंजा सा था, जो वकील जो सुबह यहाँ भी था, उसने कहा कि वीडियो बनाता हूँ, मैडम के सामने हाथ जोड़ के कहो माफ़ी मांगे। भाई मैं बंदूक की न होकर जब सब कुछ करता हूँ, जब एक आदमी फंस रहा हो तो मैंने हाथ जोड़ के कहा माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद मैं बचा के अपना बचाव करके थाने में चला गया। थाने वालों ने मेरे को रोटी खिलाई, थाने वालों ने मेरे को कहा हम आपके साथ हैं, हमारे को सच्चाई